आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अब 2023 में हमें अपने मोबाइल को रूट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब रूट करना एक पुराने ज़माने की बात हो गई है। मतलब बहुत पहले लोग फ़ोन को रूट किया करते थे। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस वक्त 2023 में या आने वाले समय में क्या हमें अपने फ़ोन को रूट करना चाहिए, उतना रिस्क लेना सही भी है, या फिर जैसा मिल रहा है कंपनी से फ़ोन वैसा ही चलाएं। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रूट करना होता क्या है, क्योंकि अगर आप नहीं समझे रूट करना क्या होता है तो फिर कैसे आप अपने फ़ोन को रूट करोगे। डिसीजन आपको ही लेना है। मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको खुद सोचना है कि आप अपने फ़ोन को रूट करना चाहते हो या नहीं। अब देखो, फ़ोन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और हम ह्यूमन बॉडी को एग्जांपल लेके चलेंगे। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। जिनको पता है वो आगे स्किप कर सकते हैं। अब देखो, फ़ोन में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इसका हार्डवेयर, स्क्रीन है, रैम है, बैटरी है, प्रोसेसर है, ये सब मिलकर के बना होता है एक हार्डवेयर जो मैंने पकड़ रखा है। फिर एक चीज़ होती है इसका सॉफ्टवेयर। जैसे हम लोगों में क्या होता है, एक होता है हमारा हाथ पैर, ये सब शरीर, सब मिलकर के बना है एक शरीर। फिर एक होता है दिमाग के अंदर की हमारी कॉन्शियसनेस, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर को एक कॉन्शियसनेस आप समझ लो। तो अब ये मोबाइल जब हमें कंपनी की तरफ से मिलता है तो इसमें ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी भी मर्डर करने का कैपेबल है, बट हमें रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि हमें ये नहीं करना है, जो कि सही भी है। वैसे ही मोबाइल फ़ोन में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोबाइल फ़ोन कर सकता है। इसमें पावर बहुत ज़्यादा है, कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बट कंपनी हमें रोकती है उन चीज़ों को करने से। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अच्छे जैसे कि रियलमी में आपको बहुत सारे फालतू के ऐप मिल जाएंगे, हॉट गेम्स, जीरो रोमिंग करके, ऐसे बहुत सारे फालतू के ऐप और बहुत गंदे गंदे नोटिफिकेशन भेजते हैं, ठीक है। अब इन ऐप को जब आप डिलीट करने जाओगे तो आप डिलीट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उन ऐप को इनबिल्ट डाल रखा है और हमें डिसअलाउ कर रखा है, हमें वो परमिशन ही नहीं दी है कि हम उन ऐप्स को डिलीट कर पाएं। वहीं फ़ोन को रूट करके बहुत सारे गलत काम भी होते हैं जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो अब आप समझ गए कि रूट करना क्या होता है। बेसिकली रूट करके जो जो रिस्ट्रिक्शन हमारे फ़ोन में लगाई गई होती हैं कंपनी की तरफ से, हम उन रिस्ट्रिक्शन को हटा देते हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कई बार कंपनियां क्या होती हैं कि हमें बहुत कम फीचर देती हैं, पर हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रोसेसर 5G का कहानी बना रहा हूँ, ऐसा है नहीं, बट्स लाइक कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेसर है मेरे फ़ोन में जो 5G सपोर्ट करता है, बट कंपनी ने हमें 4G का ही बैंड अलाउ किया हुआ है। वो चाहती है कि आप खरीद लो, बाद में एक साल दो साल बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में वो 5G का ऑप्शन दे। मैं रूट करके उस ऑप्शन को इनेबल कर सकता हूँ। इट्स लाइक कि हार्डवेयर में जितनी भी पावर है हम उसको यूज़ कर सकते हैं रूट करके। अब होता क्या था कि 2012 से लेकर के 2016 तक में इंडिया के मार्केट में बहुत कम कंपनियाँ थी जो कि मोबाइल फ़ोन बनाती थी, जैसे कि हमारी नोकिया थी, HTC थी और माइक्रोमैक्स थी, लावा थी, और ये भी कोई रेगुलर नया नया मॉडल नहीं लाते थे आज की तरह कि हर हफ्ते एक नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है, नहीं। तब 2-4 महीने में एक फ़ोन लॉन्च होता था, उसमें भी हमें स्टॉक एंड्रॉयड मिलता था कंपनी की तरफ से। स्टॉक एंड्रॉयड यानी बहुत बेसिक सा एंड्रॉयड, सिर्फ कॉलिंग वॉलिंग कर सकते हो, कुछ खास फीचर कस्टमाइजेशन नहीं होते थे। तो कुछ डेवलपर्स ने मिलकर के एक कम्युनिटी बनाई, आई थिंक, मैं अगर नाम गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो उस वेबसाइट का नाम था XDA डेवलपर्स। वो क्या करते थे कि स्टॉक एंड्रॉयड यानी गूगल की तरफ से जो एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर आता था उसको लेते थे, उसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऐड करते थे। जैसे कि उसमें आप एक ही व्हाट्सएप को दो अलग अलग अकाउंट में यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर नहीं मिलता था, यानी कोई भी फालतू के ऐप पहले से इंस्टॉल नहीं होते थे जिसे आप डिलीट ना कर पाओ, फ्लैशलाइट का ऑप्शन मिलता था, ऐसे ही बहुत छोटे छोटे बट बहुत सारे उसमें ऑप्शंस आपको नए एडेड मिलते थे जो कि पहले से जो कंपनी हमें फ़ोन देती थी वो नहीं मिलता था। तो लोग अपने फ़ोन को रूट करते थे, XDA डेवलपर से रोम को डाउनलोड करते थे और अपने में फ्लैश कर लेते थे। उसे क्या होता था, उनके मोबाइल को एक नई स्किन मिल जाती थी, मतलब देखने में भी बड़ा सही सा लगता था, कुछ नए फीचर एडेड होते थे तो लोगों को अच्छा लगता था। फिर 2016 में जब चाइनीज़ कंपनियां इंडियन मार्केट में आई तो उन्होंने उसी डेवलपर्स की जो कम्युनिटी थी उसमें से डेवलपर्स को हायर करना चालू कर दिया और अपने स्टॉक एंड्रॉयड को ही कस्टमाइज करके पहले से ही फ़ोन में डाल के देने लगे, जैसे आप रियलमी UI, कलर OS इन सब नाम से जानते होंगे, जो हमें अपने अपने फ़ोन में मिलता है ना एक कस्टम UI, वो एक्चुअली उन्हीं डेवलपर्स को हायर कर लिया गया और बोला गया कि अभी तक आप फ्री में काम कर रहे थे, अब हमसे पैसे ले लो और हमारी तरफ से काम करो कि जो जो कस्टमाइजेशन आपको बनाना है हम आपको बताएंगे वो आप करो। उसका फ़ायदा ये हुआ कि कंपनियों ने हमें कस्टमाइजेशन तो दी, हमारे लिए काम आसान किया, हमारे लिए फ़ोन यूज़ करना ईजी किया, बट साथ साथ उसमें बहुत सारे ब्लोटवेयर भी भर दिए, बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप भर दिए, जो कि हमें आज की डेट तक झेलना पड़ रहा है और क्या पता कब तक झेलना पड़ेगा। तो अब इतनी कहानी बताने के बाद उस एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं, ये कहानी ज़रूरी थी कि क्या अब हमें अपने फ़ोन को रूट करना चाहिए। तो देखो, बात ऐसी है कि अगर आपका फ़ोन स्टॉक एंड्रॉयड है, मतलब कोई भी उसमें आपको ब्लोटवेयर भर के नहीं मिल रहा है,
तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो ऐसे ही फ़ोन चलाओ। अब अगर आपके फ़ोन में कस्टम यूआई है और उसमें भर भर के ब्लोटवेयर्स हैं और आप उनसे परेशान हो चुके हो, उनके नोटिफिकेशन से परेशान हो चुके हो, तब आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन का प्रोसेसर स्लो है, आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हो और आपका फ़ोन स्लो चलता है, तो आप अपने फ़ोन को रूट करके उसकी प्रोसेसिंग पावर को बढ़ा सकते हो। बट आजकल तो मतलब बजट रेंज में अच्छे खासे प्रोसेसर मिल जाते हैं, फिर भी अगर आपकी बदकिस्मती से आपके पास कोई ऐसा फ़ोन पड़ा हुआ है जिसका प्रोसेसर कम पावर का है, तो आप रूट करके उसको प्रोसेसिंग पावर उसकी बढ़ा सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप प्रोसेसर की पावर को बढ़ाओगे तो आपका फ़ोन हीट भी ज़्यादा होगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि आप अगर किसी ठंडे कमरे में रहते हो, आपके घर में एसी है, तब आप अपने फ़ोन की पावर बढ़ा लो। लाइक कि 2 गीगाहर्ट्ज़ का है तो आप 3 गीगाहर्ट्ज़ कर दो अपने प्रोसेसर की पावर, फ़ोन बहुत तेज़ी से हीट होगा। बट आपके पास कोई ऐसा जुगाड़ होना चाहिए कि आपका फ़ोन ठंडा भी उसी स्पीड से हो जिस स्पीड से हीट हो रहा है, वरना आपका मदरबोर्ड जल जाएगा। अगर आपके फ़ोन की रैम कम है, 2 GB, 3 GB, 4 GB है, और आप कुछ बड़ा हैवी टास्क, हैवी ऐप यूज़ कर रहे हो और वो ओपन नहीं हो रहा है, स्पीड बढ़ानी अपने फ़ोन की, रैम आपको बढ़ानी बेसिकली, तब आप अपने फ़ोन को रूट करके जो आपकी इंटरनल मेमोरी है उसके कुछ पार्ट को एज अ रैम, पूरी तरीके से रैम नहीं होगा वो, बट काफ़ी हद तक आपका काम कर देगा, एज अ रैम आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो आजकल बैटरी की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि आजकल फास्ट चार्जर आ गए हैं हर फ़ोन में, बट फिर भी अगर आपका फ़ोन बहुत तेज़ी से बैटरी ड्रेन करता है तो आप उसको रूट करके बैकग्राउंड के सारे ऐप बंद कर सकते हो और आपका बेसिक काम होता रहेगा। बट आई थिंक इसके लिए आपको एक सेकेंडरी फ़ोन ले लेना चाहिए, एक बटन वाला फ़ोन ले लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में एंड्रॉयड फ़ोन में बैकग्राउंड ऐप बंद करना मुझे सेंसलेस लगता है। ये चीज़ें तब होती थी जब एंड्रॉयड फ़ोन 1400-1500 mAh वाली बैटरी के आते थे। पहले जब आप फ़ोन रूट करते थे तो कोई बैंकिंग ऐप नहीं होता था, इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं हुआ था, UPI नहीं आया था, तब लोग फ़ोन को रूट कर लेते थे क्योंकि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी होती थी उसमें, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनका लॉस नहीं होता था। बट अब अगर आप रूटेड फ़ोन में पेटीएम, फ़ोन पे ये सब इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चलेगा क्योंकि सिक्योरिटी पर्पसेस। तो मुझे पर्सनली लगता है आज की डेट में आपको अपने फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक जब तक आपके पास कोई बड़ा हार्डवेयर ना हो। और कुछ लोगों के किस्से होते ना जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होता बट वो एथिकल हैकिंग में अपनी एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप उस सेगमेंट में आते हो, वो बहुत माइन्यूट सेगमेंट है, बट अगर आप उस सेगमेंट पे आते हो तो आप अपने फ़ोन को रूट कर लो और थोड़ा बहुत आप उससे एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिसेस करते रहो। बट उसके अलावा मुझे आज की डेट में फ़ोन को रूट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए मैंने भी अपने फ़ोन को रूट नहीं किया है अभी तक 2023 में आकर के। पहले मैं बहुत करता था, अब मैंने नहीं किया क्योंकि अब जितने भी कस्टमाइजेशन होते हैं वो कंपनी खुद ही दे देती है। थोड़े बहुत नोटिफिकेशन की परेशानियाँ होती हैं बट उसके बदले मैं अपने UPI ऐप को यूज़ कर पाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो में आपको रूटिंग का पूरा किस्सा समझाया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।